जयपुरिया स्कूल आजमगढ़ में प्रवेश प्रक्रिया के साथ ही समर कैंप का भव्य आयोजन 20 जून से 27 जून तक। बेहतर शिक्षा के साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जल संपर्क करें जयपुरिया स्कूल आजमगढ़। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सखियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। ट्राई करें 9453724198 या 9450118255। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र के देवरा पट्टी गांव में बुधवार सुबह एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने दुल्हन बनी अपनी कथित प्रेमिका को असलहे के बल पर उसके घर से उठाने का प्रयास किया। विरोध पर प्रेमिका के पिता पर फायर भी किया, लेकिन गोली मिस कर गई। अचानक घटना से बदहवास लोगों ने युवक को दबोच लिया, मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार देवरापट्टी निवासी आरोपी सुशील प्रजापति का गांव की ही एक युवती से प्रेम था। युवती की कल ही रात शादी हुई है और आज सुबह विदाई की रस्म पूरी की जा रही थी। अपनी कथित प्रेमिका को दूसरे युवक के साथ ब्याह कर ले जाते हुए प्रेमी को देखा नहीं गया और वह प्रेमिका के घर पर धमक पड़ा। देखिए, इस तरह की बात जानकारी में उस लड़की की शादी आज रात थी, सुबह उसकी विदाई होने वाली थी, तो उसी के गांव का लड़का उससे प्यार करता था। वो कट्टा लेकर के चलाया और उसने ये कहा कि नहीं, इसको मैं ले जाऊंगा, तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो फायर करने वाली बात है वो गलत है, रखा हुआ था, भीड़ ने उसको वो किया, थोड़ा सा उसकी पिटाई की है। इस पर हमारी पुलिस जाकर के उसको गिरफ्तार कर लिया है और आगे मुकदमा कायम करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि सूचना में है कि ग्रामीणों ने उसे पकड़ा है, गया। हाँ बिल्कुल, जिस समय गांव में गया था तो गांव वालों ने ही उसे पकड़ा था, क्योंकि वहां पे वो सीन क्रिएट कर रहा था कि मैं ही ले जाऊंगा इसको, इस तरह की बात। पूर्व में स्मार्टफोन से लैस किए जा चुके लेखपालों को ई डिस्ट्रिक्ट योजना के अंतर्गत अब लैपटॉप भी प्रदान कर दिया गया है। राजस्व के अभिलेखों को ढूंढ ढूंढ कर काम करने वाले लेखपाल अब लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए अभिलेखों तक पहुंच बना सकेंगे। बुधवार को सदर तहसील में 2 स्थानों, क्रमशः राहुल प्रेक्षागृह व नेहरू हॉल के सभागार में समारोह का आयोजन कर लेखपालों को लैपटॉपों का वितरण किया गया। राहुल प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह के दौरान लेखपालों को लैपटॉप वितरित करते हुए जिलाधिकारी NP सिंह ने कहा कि डिजिटलीकरण और कंप्यूटरीकरण से राजस्व विभाग को मजबूत आधार प्रदान किया जा रहा है। तकनीक के बेहतर उपयोग से आम लोगों की जरूरतों को समयबद्ध रूप से व आसानी से पूरा करने के लिए यह आज की आवश्यकता भी थी। उन्होंने कहा कि लैपटॉप के जरिए लेखपालों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, खसरा खतौनी भूलेख का कार्य सरल हो जाएगा, जो ऊर्जा समय दोनों की बचत करते हुए व्यवस्था को पारदर्शी भी बनाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि लेखपाल जिलाधिकारी के आंख नाक व कान होते हैं। राजस्व से संबंधित सभी प्रारंभिक कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं। उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए ही उन्हें लैपटॉप प्रदान किया गया है। देखिए, जो भूमि अभिलेखों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए और क्षेत्र में उनको एक्टिविटीज जो भी भूलेख की हैं उनको समुचित रूप से प्रबंधन के लिए सभी लेखपालों को लैपटॉप दिया जा रहा है, ताकि जो भी खसरे का सर्वे होता है, मिलान खसरा होता है, एक स्टेटिस्टिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाए, ताकि उसमें ज़्यादा प्योरिटी हो और अच्छे ढंग से काम हो। ये मकसद है, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि प्रत्येक ग्राम्य स्तर कर्मचारी के पास लैपटॉप हो, टेक्नोलॉजी हो, ताकि उसका सदुपयोग करके जनता की सेवा कर सके। राहुल प्रेक्षागृह व नेहरू हॉल के सभागार में आयोजित समारोह के जरिए सगड़ी के 134, फूलपुर के 94, मेनगर के 76, लालगंज के 105, बूढ़नपुर के 106, माढ़ीनगंज के 72, सदर के 142 व निजामाबाद तहसील के 107, इस प्रकार जनपद आजमगढ़ में कार्यरत कुल 836 लेखपालों को लैपटॉप वितरित किए गए। नेहरू हॉल में लेखपालों को लैपटॉप वितरित करते हुए मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर ने कहा कि अब पेपरलेस वर्क होगा, जिससे समय की बचत तो होगी ही, साथ ही फ्रॉड होने का चांस भी खत्म हो जाएगा। मतलब ई डिस्ट्रिक्ट योजना के अंतर्गत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 857 लैपटॉप उपलब्ध कराए गए हैं और 857 हमारे लेखपाल कार्यरत हैं, उनको सभी को हम लोग जो है वितरण कर रहे हैं आज भी, और इसके बाद इसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। एक्चुअली लैपटॉप तो वही है जो मार्केट में मिलता है, वही वाला। इसके माध्यम से हम लोग जो भूलेख का काफ़ी काम कराएंगे इसमें। जो पहले खसरा कागज़ पर बनता था, वो खसरा इसी पर बनेगा, पेपरलेस हो जाएगा। आजाद निवास प्रमाण पत्र के लिए पहले रिपोर्ट लगाते थे, वो अपने इसी पर लगा लेंगे ये लोग। तो ये एक तरह से सिस्टम को पेपरलेस करने का प्रयास है। मैंने आपको बताया नहीं कि जैसे कागज़ को कम्युनिकेट करने में 1 से 2 दिन लगता था, अब जब लैपटॉप इनके पास होगा और यहाँ से जो चीज़ सबमिट की जाएगी उसे लेखपाल तत्काल देख सकता है और लेखपाल जो फील्ड वेरिफिकेशन करके वहाँ से उसको सबमिट कर सकता है, वो रिपोर्ट यहाँ आ सकती है। तो जो पहले टाइम लगता था ना, वो टाइम काफ़ी बचेगा। तो पेपर में और लैपटॉप में क्या अंतर है? लिखित में होता है और ये लैपटॉप वर्क किया जा रहा है, क्या करके आप? एक्चुअल में पेपर वर्क पहले हुआ करता था, उसमें फ्रॉड होने की काफ़ी संभावना रहती थी, और जब पेपरलेस कर दिया, इसे ऑनलाइन कर दिया, तो उसमें फ्रॉड होने की बहुत कम संभावना रहती है, क्योंकि पासवर्ड बेसिस सिस्टम होता है और पासवर्ड जिस व्यक्ति के पास होता है उस व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उसका काम नहीं कर सकता है। मलयुग कनक त्रिपाठी ने निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था पैक्सफेड द्वारा कई परियोजनाओं में गलत एवं संदेहास्पद रिपोर्ट तैयार करने पर नाराजगी व्यक्त किया तथा अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग को सभी आंकड़ों की जांच कर वस्तु स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए गए बैठक से अनुपस्थित रहने पर तथा मंडल मुख्यालय से बाहर जाने पर भी मलयुक्त ने असंतोष व्यक्त करते हुए उनके पूरे माह का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने बुधवार को अपने कार्यालय के सभागार में 50 लाख तथा उससे अधिक की लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था पैक्सफेड के परियोजना अभियंता एवं यूपीपीसीएल के परियोजना प्रबंधक के अनुपस्थित रहने पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए इन अधिकारियों को चेतावनी निर्गत करने तथा कतिपय कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यावधि व्यतीत होने के बाद भी परियोजनाएं अपूर्ण हैं, इस पर उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि आजमगढ़ के नगर पंचायत लालगंज में आसरा योजना के अंतर्गत 48 आवास का निर्माण किया जाना था, परंतु धनराशि अवमुक्त होने के बावजूद अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस पर उन्होंने कार्यदायी संस्था CNDS के परियोजना प्रबंधक को भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मलयुक्त त्रिपाठी ने जनपदवार 50 लाख तथा उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान पाया कि जनपद आजमगढ़ में इस प्रकार की कुल 56 परियोजनाएं हैं, जिसमें से 5 परियोजनाएं अभी तक प्रारंभ नहीं हुई हैं, जबकि अवमुक्त धनराशि 408.86 करोड़ की सापेक्ष 83.59% व्यय हुआ है तथा 3 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।
मंडलायुक्त ने बैठक के दौरान सभी मंडलीय अधिकारियों को सख्त हिदायत दिया कि किसी भी कार्यवश मुख्यालय से बाहर जाने से पूर्व लिखित एवं मौखिक रूप से अनिवार्य रूप से अवगत कराएं। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन धर्मेंद्र सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, वन संरक्षक अमर बहादुर, एडी हेल्थ डॉक्टर एनएल यादव, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग एसपी सिंह, मुख्य अभियंता विद्युत राजेश रंजन सिंह, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग विपिन कुमार राय, अधीक्षण अभियंता विद्युत वीके सिंह गौर सहित अन्य मंडलीय अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे। पिछले कुछ दिनों से जनपद में शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में दर्जनों बाइकों की चोरी बढ़ गई थी और पुलिस की कार्रवाई को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। बुधवार को आजमगढ़ पुलिस ने बरदा थाना क्षेत्र में एक गिरोह के 2 सदस्यों को 7 चोरी व लूट की बाइकों और 2 तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। वहीं जहानागंज थाना क्षेत्र में भी एक बाइक चोर को 3 मोटरसाइकिलों के साथ पकड़ा गया है। एसपी ने खुलासा किया कि गिरफ्तार बदमाशों में से एक 25,000 का इनामी है, वहीं इनके हैंडलर के दिल्ली में होने की सूचना है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरदा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 25,000 के इनामी राहुल यादव निवासी सिरसेड़ी बरदा के साथ ही दीपक को गिरफ्तार किया। राहुल पर 6 मुकदमे पहले से हैं और दीपक पर 2 मुकदमे हैं। ये इतने शातिर हैं कि चोरी के साथ ही लूट की भी वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस इनके कब्जे से 7 बाइकों के मालिकों के बारे में जानकारी ले रही है। वहीं जहानागंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार बदमाश भी शातिर है और बिजली मैकेनिक बनकर शादी व अन्य कार्यक्रम में जाता था और वहां से वापस लौटते समय किसी की भी बाइक उड़ा लेता था। इसके पास से 3 बाइकें बरामद हुई हैं। अंगद पुत्र राम विनय नाम का यह वाहन चोर जहानागंज थाना क्षेत्र के मित्तुपुर खद बिहा गाँव का निवासी है। देखिए, ये यहाँ पे एक लूट करने वाला वाहन चोरी तो करते ही हैं, लूट भी करते हैं। इस तरह का गैंग जो है काफ़ी दिनों से हम लोगों की नज़र में था और इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी रखा था। इसके कुछ साथी फरार भी हैं। कल ये सूचना मिली कि ये बदमाश जो है मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, हमारी बरदा की टीम लग गई, इन लोगों ने देखते ही उन पर फायर भी किया, फिर ये किसी तरह इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई। इनके यहाँ से 7 मोटरसाइकिल जो चोरी के लूट की मोटरसाइकिल हैं वो बरामद हुई है। इनके पास से 2 खट्टे तमंचे और जिंदा कारतूस मिले हैं। इनके जो लिंक हैं और जो इनके जो मास्टर ऑपरेटर हैं वो इस समय दिल्ली में हैं, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी होने की संभावना है। और ये 7 जहाँ से लूट किए हैं और चोरी किए हैं इसकी तहकीकात की जा रही है। कल तक इनके डिटेल्स आ जाएंगे कि कहाँ से ये चोरी हुई है। अगर उसमें मुकदमा लिखा गया होगा तो इनके खिलाफ और भी ढेर सारे वारंट आएंगे जिसमें ये जेल में रहेंगे। सर, राहुल 25,000 रुपये का इनामिया है और ये पहले से भी लूट में वांटेड है। 3 मोटरसाइकिल सहित 3 बदमाशों को पकड़ा है। ये बदमाश जो है ये क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रिक का काम करता है और जहाँ भी जिसके घर पे भी या बारात में जा रहा है इलेक्ट्रिक का काम करने के, इलेक्ट्रिक काम करने के बाद ये अपना एक मोटरसाइकिल वहाँ से लेकर चल देता था। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसका वो है। अच्छी बात ये है कि वो मोटरसाइकिलें कनेक्ट हो रही हैं और जहानागंज एरिया का ही एक मोटरसाइकिल जो चोरी किया गया था वो कनेक्ट हो गई हैं और जो 2 मोटरसाइकिल हैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। इधर मोटर वाहनों की चोरी में थोड़ी सी वृद्धि हुई, इसलिए हमने पुलिस को निर्देश दिया है कि मोटर वाहन चोरों पर आप लोग काम करिए और उसी कड़ी में ये सब गिरफ्तारियां हो रही हैं। हाँ, ये अकेले ही देता था और उसको लेकर के फिर सेल करता था। अब ये देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ मोटरसाइकिलें जो है और क्या करता था, इससे पूछताछ चल रही है। काफ़ी घटनाएं बता चुका है, अभी तहकीकात जारी है, इसमें शीघ्र ही और गिरफ्तारियां होंगी।
महीनों से दूषित पानी की समस्या झेल रहे पांडे बाजार निवासियों ने दूषित पानी के नमूने संग जिलाधिकारी से गुहार लगाई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पांडे बाजार क्षेत्र में जलकल और नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति होती है। मोहल्ले में माह भर से गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। पालिका प्रशासन जलकल विभाग के अधिकारियों से कई बार लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन स्वच्छ पेयजल उन्हें नसीब नहीं हुआ। स्थानीय निवासियों ने बताया कि दूषित पानी के प्रयोग के चलते तमाम लोग बीमार पड़ चुके हैं। स्थिति यह है कि पीने के लिए व खाना बनाने तक के लिए उन्हें पानी खरीदना पड़ रहा है। दूषित जल आपूर्ति ने गरीबों के सामने कोई मार्ग नहीं छोड़ा है। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति न किए जाने व दूषित पानी घर घर तक पहुँचाने वाले पालिका प्रशासन के प्रति लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप पांडे बाजार निवासियों ने मोहल्ले में जल आपूर्ति की व्यवस्था को दुरुस्त कराए जाने की गुहार लगाई। हम लोग का पानी बहुत गंदा आ रहा है, एक महीने से आ रहे हैं। हम लोग के घर में बच्चे लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। पानी कहाँ से आ रहा है? पानी टंकी से आ रहा है। हाँ, वहाँ पर हम लोग गए थे, बोले पानी गंदा आ रहा है, तो वो कहें टंकी कहीं फूटा है। अगर टंकी दिखाए गए हम लोग, तो बोले हम लोग बोले नगर पालिका जाएंगे, तो कह रहे जाओ नगर पालिका, तुम लोग के चेयरमैन साहब उठा ले जाएंगे। हम लोग चाहते हैं टंकी बने, टंकी से साफ पानी हम लोग का है। पानी बहुत गंदा आ रहा है, मोहल्ले में सब बीमार पड़ रहे हैं। टंकी में गए थे हम लोग, तो बोले कि जाओ अब कल से अच्छा आएगा। फिर गए तो कहे कि जाइए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ चेयरमैन के चाहे नगर पालिका जाइए, कोई नहीं कुछ कर पाएगा। हाँ, अरे ये लड़की लड़का बीमार है, हम लोग फिल्टर का डब्बा पानी लेकर पी रहे हैं। गरीब नहीं पी ले कर पी पाएगा, कैसे पिएगा? हाँ, हम लोग चाहते हैं अच्छा पानी और सब परिवार पिए।